नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हमारा टॉपिक है कि हम लोग कई प्लांट्स खरीदते भी हैं, कुछ हम बेचते भी हैं, सेल भी करते हैं, तो हमारे कस्टमर्स का भी मैसेज आता है, फ़ोन आते हैं कि ये कैसे केयर करें। जब भी हम नया प्लांट लेते हैं उसको हमने कैसे केयर करनी है, नॉर्मली हम लोग प्लांट ख़राब कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो जब भी हमने प्लांट को पहले तो बड़े केयरफुली ऐसे ऐसे ही पेपर से हमें लिपटा हुआ आता है अनबॉक्स करना है। देखिए ये प्लांट है, जैसे इसको अनबॉक्स हमने करके सबसे पहले हमने मिक्सचर अपना तैयार रखना है ताकि कुछ भी उसमें केमिकल रिएक्शन होने, मैंने जैसे ये बना के रखा हुआ है कोई भी केमिकल, ये मैंने सिंडर बेस का मिक्सचर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होना होगा तो ऑलरेडी हो जाएंगे। इसमें हमने करना किया है, जो भी प्लांट हमने लेना है उस प्लांट को पहले तो लाइटली, देखिए ये बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखना हमने, इसमें ये हल्का सा इसको हमने ये मिट्टी में लगा दिया है। इसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने ऐसे दबा दबा के मिट्टी में रखेंगे तो वो रूट्स ऑलरेडी ख़राब हो जाएंगी उसकी। तो ये इस तरीके से हमने ये प्लांट को बड़ी ईजीली लगा भी दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये दबाना नहीं है, दूसरी चीज़ कि जो ये प्लांट है हमने इसको छाई में रखना है कम से कम 10 दिन तक, क्योंकि जब तक इसकी रूट्स नीचे फिक्स नहीं होती है, जब तक पूरी पकड़ नहीं लेती नीचे तक, तब तक हमने जो है इस प्लांट्स को धूप में नहीं रखना। यदि धूप में रखेंगे तो प्रॉब्लम आती है, ये देखिए ये प्रॉब्लम आई सनबर्न। मेरे को एक दो बार फोटोग्राफ भी आई कि ये देखिए आपका प्लांट वाइट हो गया, वाइट नहीं होता जो सनबर्न हो जाती है, ये ऐसे प्रॉब्लम आती। देखिए ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया प्लांट, देखिए ये सनबर्न, इसको बोलते हैं सनबर्न, देखिए ख़त्म हो गया, सूख गया बिल्कुल प्लांट। इसको देखिए कितनी अच्छी रूट्स थी, मगर ये रॉट नहीं हुआ, एक तो तक गलना, ये सनबर्न हुआ है, क्योंकि कुछ देर मुझे टेम्परेचर रहा तो उस टाइम पे मुझे देखा नहीं गया मेरे से प्लांट्स को अपने, ये नए नए आए थे तो ये ख़राब हो गए, देखिए सनबर्न के साथ। तो इनको सनबर्न से सबसे पहले हमने ये बचाना है कि इसको छाया में रखना है, धूप में एकदम से प्लांट्स को कभी निकाल के नहीं रखना। दूसरी चीज़ के लोग जो गलती करते हैं, जो कॉमन प्लांट्स होते हैं उनमें होता है कि वो लगाया और साथ ही साथ पानी दे दिया, जो कैक्टस प्लांट्स हैं उनको साथ साथ कभी पानी नहीं देना। पानी हमने जो है सिर्फ स्प्रे के साथ, ये स्प्रे बॉटल हमारी है, इसके साथ हल्का सा इसको स्प्रे कर देना ताकि ये सिर्फ मॉइस्ट रहे ना कि गीला। इसको हल्का हमने मॉइस्चर देना है, बिल्कुल गीला प्लांट नहीं करना। तो इसको हम इस तरीके से बचा के रख सकते हैं और धीरे धीरे इसको हमने धूप में लेके आना है, वो भी हमने 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद, धीरे धीरे स्लोली हम इसको हल्की धूप दिखाएंगे, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, क्योंकि एकदम से जब लेके आएंगे तो प्रॉब्लम प्लांट में आएगी ही आएगी। उसके बाद हम इसकी रूट्स देखेंगे कि वाकई रूट्स फिक्स हो गई है। रूट्स फिक्स देखने के लिए मैं कॉमन सा आसान सा तरीका अभी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे देखते हैं। ये देखिए ये मेमलीरिया है, ये अभी इसको पकड़ के थोड़ा खींचते भी हैं तो ये फिक्स हो रहा है, इसमें अभी ये बाहर नहीं निकलेगा। मगर यदि हम और कोई प्लांट देखते हैं जो नहीं अभी फिक्स हुआ, मान लीजिए ये भी फिक्स हो गया, नहीं अभी इसने भी जड़ें पकड़ ली है, तो नॉर्मली जो कॉमन प्लांट हमने जो अभी लगाया वही दिखा देते हैं। आइए जो कॉमन प्लांट है यदि इसको देखें तो ये फिक्स थोड़ा हुआ, ये तो वैसे बाहर आ जाएगा, इसको जस्ट हमने ये ऐसे रखना है। तो इसलिए इसकी रूट्स जब तक आपको लगे कि फिक्स नहीं हुई है इसको धूप में तो रखना ही नहीं है, धूप में उसके बाद रखिए जब आपको लगता है कि इसकी रूट्स भी फिक्स हो गई, कुछ प्लांट ये ग्रो करना शुरू हो गया अर्ली, चाहे एक दो कांटे ही आपको चमकने शुरू हो जाए, नज़र आ जाता है कैक्टस जिसने रखे हुए, तो उस तरीके से हम इन कैक्टस प्लांट्स को बचा सकते हैं। नहीं तो हम इतने कॉस्टली परचेज़ करते हैं और जब आते हैं प्लांट तो धूप में रख के बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं। जो सनबर्न हो गया उसको वापस से ठीक करना इतना आसान नहीं रहता, ना ही वो निशान ठीक रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नए कैक्टस प्लांट्स को बचा के रख सकते हैं, बड़ी ज़्यादा समस्या रहती है नहीं तो। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से बढ़िया अपने कैक्टस प्लांट्स को बचा के रख सकते हैं। पुराने प्लांट को जब हम रिपोर्टिंग करते हैं उसमें भी यही प्रोसीजर रहना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब भी आप कैक्टस प्लांट्स रखते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जलंधर। धन्यवाद जी।